हाय गाइस व्हाट्स अप। मैंने देखो अभी सारे काम सूझ रहे हैं। सॉरी एक सेकंड, इसको टाइम लगने वाला है। तो हाय गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, अपेरेंटली आर चैनल, ये वाला भी। ओह माय गॉड, मैं तेरी। So finally we are back with our another fun fashion challenge. Hands down इस चैनल पे ये वाले challenges करना मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो इस बार मैंने तुमसे पूछा था कि अपनी फेवरेट स्वीट डिश आइटम मुझे बताओ, एंड इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई एंड काफ़ी लोगों ने गेस भी कर लिया था कि मैं ड्रेसअप वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज हम ड्रेसअप होंगे तुम्हारी फेवरेट स्वीट डिश आइटम में। So let's get started. Okay, so 50% रिक्वेस्ट आई हुई थी गुलाब जामुन के। सारे कितने बड़े फैन हो गुलाब जामुन के। तो मैंने ड्रेसअप भी है ब्राउन ड्रेस में। मैं इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड गुलाब जामुन लग रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड सो ग्लैमरस एंड सो फैंसी। और मैं थोड़ी शाइन भी कर रही हूँ, जो उस पर वो नहीं होता, उसका सिरप होता है गुलाब जामुन का, तो ये थोड़ा शाइन भी दे रहा था, ये परफेक्टली जा रहा है। और मैं बिल्कुल मस्त रेडी हूँ एक पार्टी में जाने के लिए और वहाँ पे जाके गुलाब जामुन खाने के लिए। आई एम जस्ट सो रेडी मैन। सो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो बहुत लोगों ने भेजी थी वो है गाजर का हलवा। ओ माय गॉड, मैं बता भी नहीं सकती कि बचपन में मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था। लाइक मैं मम्मी को ऑलमोस्ट डेली बोलती थी सर्दियों के टाइम पे कि बना दो बना दो बना दो। तो अभी फिलहाल हम ड्रेसअप हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली, एंड जो ये टॉप है ना, ये प्रॉपर गाजर के हलवे की वाइब दे रहा है। लाइक कलर और जो भी इसमें प्रिंट और टेक्स्चर है ना, एवरीथिंग। एंड नीचे जो ये स्कर्ट है ना, वैसे ये ड्रेस है तो बट मैंने इसको ऐसे टाई वगैरह करके एक स्कर्ट बना लिया है। एंड ये इतना कोजी बोहेमियन लुक टाइप लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बस एक बैग और हैट पहन के आई एम रेडी बाहर वेकेशन के लिए। तो ठीक है, बस आई मैम। सो नेक्स्ट है हमारे पास डोनट की रिक्वेस्ट, एंड मैंने इतना प्रिटिली इसको स्टाइल करा है ना, ये मेरा अभी तक का फेवरेट आउटफिट है। तो इसको ना डिकोड करते हैं। तो बेस में जो मैंने न्यू डिश ब्राउन कलर का जो रोमपर और बॉडी सूट टाइप कुछ पहना हुआ है, एंड ये मैंने ना अपनी ड्रेस के लिए मंगवाया था जो कि सुपर डुपर ट्रांसपेरेंट थी। तो आई वाज लाइक कि उसके अंदर चल जाएगा, बट कंसिडरिंग कि जो ये टॉप है वो भी बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था तो ये इसके ऊपर भी जा रहा है। नाउ मुझे लग रहा है कि एक पूरा लुक बन गया है, एंड इसको भी मैं उस ड्रेस के अलावा यू नो और चीज़ों के साथ भी पहन पा रही हूँ अब। एंड ये इतना ज़्यादा स्पोर्टी प्लेफुल एंड ऐसे वाइब्रेंट कलर वाला आउटफिट निकल कर आया, एंड बहुत ही ज़्यादा समर अप्रोप्रिएट, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी हूँ। लाइक मैं इसमें कुछ भी जिमनास्टिक्स वगैरह कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम लाइक सुपर डुपर कंफर्टेबल। ऑल्सो गाइज, बिफोर जंपिंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्वीट डिश, टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय बेला वीटा ऑर्गेनिक, एंड दे हैव सेंड मी देयर रेंज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू ट्राई आउट फॉर यू गाइज। सो फर्स्ट इज देयर फेस पैक विच हेल्प्स ब्राइटन द फेस। नाउ जस्ट अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ इट ऑन योर फेस विद द हेल्प ऑफ दिस टाइनी cute little applicator that comes with it, and just leave it on for a few minutes and later rinse it off with normal water. Now infused with the goodness of turmeric, saffron and vitamin C, this Sea Glow face pack helps repair dull and tan skin and is perfect for a salon like glow at home. Then we have their Sea Glow face wash, which deeply cleanses your pores and keep your skin away from dirt, pollution and dead skin cells. And the best part is that it also helps control that excessive ziddi wala oil plus detans, and you know brightens your face making it smooth. And last is their face cream, which comes with a pump keeping the whole process you know super duper hygienic. It is also lightweight and non-sticky, giving you that extra glow on the go. And guys, you can also use my discount code to get some extra discount on Bella Vita products, and I have linked everything down for you guys to check out, so do check out. तो वापस आते हुए हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट थी रसगुल्ला। आई गेस इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं बट दिल्ली में फॉर सम रीजन सब इसे रसगुल्ला बोलते हैं। लाइक मैंने बचपन से रसगुल्ला ही सुना है तो मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ। बट एनी विच वेज, मैं ड्रेसअप हो चुकी हूँ बिल्कुल प्रॉपरली एक रसगुल्ले की तरह, एंड आई गेस इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी एंड नाइस। इट्स लाइक ऑल वाइट लुक जो कि मैंने ऑप्ट करा है, एंड मेरे को ना ऐसा लग रहा है ये ड्रेस चैलेंज करते हुए कि लोगों के आउटफिट्स ना इंस्पायर्ड होते हैं सेलिब्रिटीज से या फिर कोई एक टाइम पीरियड से, और हमारे आउटफिट्स इंस्पायर्ड हो रहे हैं मिठाइयों से। लाइक अलग लेवल की ही गेम चल रही है, बट दैट जस्ट मेक्स मी हैप्पी, एंड आई गेस दिस सेट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एंड क्यूट, एंड इसको पहन के मैं बाहर एक्चुअल में रसगुल्ला खाने भी जा सकती हूँ। जस्ट मेक्स मी सो फैंसी। मैं ये स्वीट डिश वाली वीडियो को करने में इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने सोचा कि इस बार मैं भी अपनी फेवरेट वाली स्वीट डिश डालूंगी, जो कि अभी मैंने रिसेंटली ट्राई की थी एंड आई एम ऑब्सेस्ड। तो वो है रोज़ बर्फी, एंड मैं उसकी तरह ड्रेसअप भी हुई हूँ। एंड ये ड्रेस किसी को याद है वैसे? लाइक मैंने अपने फर्स्ट एवर इस चैनल के फर्स्ट
फर्स्ट एवर Q&A में पहनी थी एंड ये अभी भी है मेरे पास, ये मैंने सरोजनी से ली थी एंड ये कहीं जाने नहीं वाली है, ये सालों साल जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगी। बट एनी विच वेज बैक टू दी रोज बर्फी, ओ माई गॉड आई लव इट यार। तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसके ऊपर जो वो नहीं डाले होते कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स और पिस्टैशियोज और बहुत सारी चीज़ें, वो सब है इसके अंदर। लाइक जो तुम्हें नहीं डालना ना उसके ऊपर वो भी है इसके अंदर, तो तुम्हें सब मिल जाएगा। एंड इट्स लाइक प्रिटी पेस्टली पिंक कलर एंड उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, इट्स सो स्प्रिंग समर परफेक्ट। आई लव इट, आई लव इट। मुझे ब्रंच करना है, मुझे पिकनिक पे जाना है, मन नहीं अभी चल। तो मन्नी की तरफ से ब्रंच की और पिकनिक की रिक्वेस्ट को मना करते हुए हम अपने नेक्स्ट लुक की तरफ बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव मूव्ड ऑन, वी डोंट नीड यू मन्नी। ओके, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट थी हमारे पास काजू कतली, मेरे को वो भी बहुत पसंद थी। लाइक मुझे लग रहा है वो मुझे गाजर के हलवे से ज़्यादा पसंद थी एंड घर पर वो आती भी थी। लाइक हर किसी की शादी होती थी ना तो वो आनी ही है, बनना ही है। और मुझे लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली जो ये लुक क्रिएट हुआ है ये विनर है। लाइक अकॉर्डिंग टू द कलर्स एंड एवरीथिंग, लाइक वाइब एंड प्रॉपरली ये काजू कतली वाला जा रहा है। तो अंदर मैंने ड्रेस पहनी है जो उसका बेस कलर होता है इससे प्रॉपरली मैच कर रहा है एंड जो उसके ऊपर सिल्वर वर्क होता है ना, तो मैंने ये सिल्वर जैकेट पहनी है एंड ये चमक भी रही है। तो ये प्रॉपर काजू मैं काजू कतली लग रही हूँ। लाइक अगर मैं किसी को बोलूँ कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, क्या मैं काजू कतली लग रही हूँ, व्हाट द हेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारे पास आई हुई है ठंडाई की, और वैसे भी गर्मियाँ आ ही चुकी हैं तो आई वाज लाइक कि उसके अकॉर्डिंगली ड्रेसअप भी हो जाते हैं। तो दिस इज द लुक विच आई हैव स्टाइल्ड। तो जो ठंडाई का बेस कलर होता है ना दूध वाला, तो वो ऐसे न्यूडिश कलर, तो ये थोड़ा परफेक्ट जा रहा है। उसके ऊपर जो डेकोरेशन होती है जो बड़ी सुंदर सी लगती है, उसको देख के लगता है कि हाँ इसे खरीद के पीना है पीना है पीना है, तो वो ये टॉप के थ्रू आई गेस कंप्लीट हो रहा है। जो ऐसे पिस्ताशियोज और रोज पेटल्स होते हैं, थूक आ रहा है मेरे मुंह में से, पानी आ रहा है, थूक। Wow guys, I have no manners. Also guys, हमारे पास एक और रिक्वेस्ट है सोन पापड़ी की, और मेरी वो भी बहुत फेवरेट डिश थी। मुझे ना मीठा खाना बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था, अभी धीरे धीरे छूट गया, बट एनी वेज में ड्रेसअप हुई उसके अकॉर्डिंगली। वैसे ये एक बीच आउटफिट है, एज अ बीच आउटफिट मैंने ये मंगवाया था, बट आई गेस ये इसके साथ जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई नो कि थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा येलो हो गया, बट दैट्स द फन ना, थोड़ा एक्स्ट्रा करने में थोड़ा मज़ा आता है। एंड दिस इज़ द लुक दैट आई केम अप विद सोन पापड़ी। मैं सन लग रही हूँ आई गेस, बट आई लाइक इट। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वाली जितनी भी रिक्वेस्ट आज हमने की है वो मोस्टली काफ़ी लोगों ने भेजी थी, बट उसमें भी हमारे पास विनर है, वो है रसगुल्ला और गुलाब जामुन। लिटरली वो हर एक पर्सन ने तो भेजी ही हुई थी रिक्वेस्ट मेरे को, तो आज मुझे बहुत ही मज़ा आया ऐसे ड्रेसअप होने में। इफ़ यू हैव मोर रिक्वेस्ट और यू वॉन्ट मी टू ट्राई अदर थिंग्स, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। एंड विच आउटफिट वॉज योर फेवरेट इन टुडेज वीडियो, लेट मी नो दैट एज वेल। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।